आज की बैठक में किस किस समाज के लोग शामिल हुए सनातन समाज की बैठक में? आज की इस बैठक में जसपुर जिले के लगभग सभी उरांव, कंवर, नगेसिया, नागवंशी, भूंहर, सांवरा, लगभग जितने भी आदिवासी वर्ग के जो हमारे सदस्य निवास करते हैं जसपुर जिले में, वो सभी लोग इस बैठक में आए हुए हैं। और हमारा मूल उद्देश्य आज इस बात को पूरे देश की जनता के समक्ष क्लियर करना है कि इस पत्थरगढ़ी का ये जो अभियान चल रहा है, उसमें आदिवासी समाज बिल्कुल किसी भी रूप से उसका समर्थन भी नहीं करता, न इस अभियान में शामिल है। ये पूरी घटना जो धर्मांतरित ईसाई समाज के लोग हैं, जो अपनी पूरी प्रथा छोड़ चुके हैं, आदिवासी प्रथा छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। और इस पूरे साजिश के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, और इसमें जो मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज हैं, वो पूरी पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ कि ईसाई समाज के लोग अपने जो चर्च हैं, उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। इतना बड़ा मूवमेंट यदि ये ईसाई समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, पत्थरगढ़ी का, संविधान विरोधी, तो मैं समझता हूँ उसमें इनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका निश्चित रूप से है इस पूरे प्रकरण में। तो इसमें क्या जांच होनी चाहिए, आप क्या मांग करते हैं? मैं बिल्कुल प्रशासन से मांग करता हूँ कि जहाँ कहीं भी संविधान विरोधी कृत्य किसी के द्वारा भी किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति यदि संविधान विरोधी कृत्य करता है, तो हम उसको कानून के अंतर्गत हम उसको सजा देते हैं। कोई समुदाय विशेष यदि पूरे क्षेत्र में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का काम करता है, संविधान की गलत व्याख्या करके दो तीन कई समुदाय के बीच यदि विभेद पैदा करने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध संविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है, सख्त कार्रवाई उनके ऊपर किया जाना चाहिए।